जिले में कार्यरत कार्यकर्ता साथ ही सहायिका और आशाओं की बैठक का आयोजन रविवार को आदर्श स्टेडियम में किया गया। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के बाद प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। आंगनवाड़ी परिवार संगठन कार्यकारिणी का गठन कर सरकार के समक्ष लंबित पड़ी मांगों को लेकर मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक में स्थायीकरण, सरकारी कर्मचारी घोषित करने व वेतनमान सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ ही सहायिका व आशाएं उपस्थित रही। जिले में कार्यरत कार्यकर्ता साथी सहायिका और आशाओं की बैठक का आयोजन रविवार को आदर्श स्टेडियम में किया गया। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के बाद प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। आंगनवाड़ी परिवार संगठन कार्यकारिणी का गठन कर सरकार के समक्ष लंबित पड़ी मांगों को लेकर मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक में स्थायीकरण, सरकारी कर्मचारी घोषित करने व वेतनमान सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार से स्थायीकरण करते हुए सरकारी कार्मिक के रूप में नियुक्त करने की मांग की। इसके साथ ही वेतनमान कम से कम 50,000 करने, ग्रेजुएटी 25 लाख रुपए करने, सेवानिवृत्ति के बाद मातृशक्ति को सम्मानजनक पेंशन का लाभ देने, विभागों में पदों पर 100% पदोन्नति का लाभ देने, छुट्टियां और मेडिकल समेत अन्य विभागीय लाभ देने के साथ ही एजुकेशन कैलेंडर व स्वास्थ्य विभाग कैलेंडर समान रूप से लागू करने की मांग की गई। जो संगठन है इसका नाम आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन है, जो आंगनवाड़ी की चार जो कर्मचारी बहनें हैं जिसमें कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन और आशा बहन, इन सब का मिलाकर हमने एक निजी संगठन तैयार किया है जो प्रदेश लेवल का है। और इसमें हमारी मांग ये है कि जब तक सरकार, कोई सरकार कोई भी हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमें परमानेंट करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और जब तक अगर सरकार कर्मचारी घोषित नहीं करती है, परमानेंट नहीं करती है, तब तक हमको वेतन के रूप में 50,000 रुपये दे। और जो तीसरी मांग है हमारी वो ये है कि जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद ग्रेजुएटी के रूप में हमें 25 लाख रुपये मिलने चाहिए। चौथी मांग ये है कि जो अदर विभाग में, अदर डिपार्टमेंट के अंदर छुट्टियां मिलती है, जिस प्रकार से अदर डिपार्टमेंट के अंदर कैलेंडर बना हुआ है, उसी भांति हमारी चारों बहनों का भी वो कैलेंडर होना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि जो हमारी आशा बहन है, उन बहनों के लिए ANM पद के लिए 50% और GNM पद के लिए 30% आरक्षण दिया जाए आशा बहन का। आदर्श स्टेडियम आयोजित हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनी और साथिनों की बैठक में मुख्य रूप से स्थायीकरण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जब उनका चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है और एक सरकारी कार्मिक की भांति उनसे काम करवाने के साथ ही सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर डालकर कार्य करवाया जाता है, तो फिर उन्हें सरकारी कार्मिक के तौर पर नियुक्त क्यों नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए संगठन के माध्यम से संघर्ष किया जाएगा और राज्य सरकार के स्थानीयकरण की मांग की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, साथी, सहायिका व आशाएं उपस्थित रहीं।